अबे तू है कौन? तू अंबती राइडर? तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। मेरा लड़की है ऐसी जिंदगी। ले फिर आ गए। और मेरे भाइयों कैसे हो आप लोग? आई होप के साथ बढ़िया होगे। स्वागत है आप सभी का सोलो कांग्रेस रैंक पुश वीडियो में। सबसे पहले इंट्रो के लिए देखो लाइक कर देना। इंट्रो लाया तुम्हारा काफी दिनों के बाद में, और क्योंकि आज की वीडियो में सिर्फ इंट्रो ही है लाइक मांगने के लिए, तो इंट्रो के लिए लाइक हो जाना चाहिए। क्योंकि भैया देखो कल भी वीडियो नहीं आई, आज भी गेम प्ले कुछ खास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया वीडियो के मालिक को नजर लग जाती है ना 2 सेकंड में। अब कल वीडियो क्यों नहीं आई? क्योंकि कल मर्चेंट भाई साहब पूरे दिन विश्राम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भैया नजर 2 सेकंड में लग जाती मेरे को। मैं तो ये सोचता हूँ अभी तक ना मेरा यूट्यूब पे कुछ हुआ है ना मेरी बॉडी पे कुछ हुआ है, फिर भी लोगों को इतनी जल जाती है। बाय चांस कुछ हो गया तो भैया ये खुदकुशी कर लेंगे। देखो तुम्हारी जल रही है जलाओ, तुम्हें खुदकुशी करनी है मैं तो कह रहा हूँ खुदकुशी, तुम खुशी खुशी कर लो, है ना? मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पे नजर क्यों लगा देते हो यार? पता नहीं कैसे क्या कौन से नींबू काट देते भाई, हर 2 सेकंड में नजर लग जाती मेरे को। कल सुबह तक ठीक था मैं, और उसके बाद अचानक से ऐसी तबीयत खराब हुई है कि ना गेम खेल पाया ना वीडियो एडिट कर पाया। लाइव का तो रहने ही दो। और आज भी हल्की फुल्की तबीयत ठीक हुई है तो वीडियो आ रही है। बाकी आज के दिन में तुम्हारा लाइव नहीं आएगा, मैंने कंफर्म कर लिया है। सुबह सुबह ही लाइव करा करेंगे, रात में यार टाइम फिक्स नहीं बैठ पा रहा है। सुबह 10 या फिर 11 बजे में से कोई सा एक टाइम फिक्स कर लूंगा, वहां से 2.5-3 घंटे की लाइव स्ट्रीम की जाएगी। अब आके देखो वंस एन एट गॉड ऑलवेज एन एट गॉड, एक नेट काफी है तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख दर्द पीड़ा उड़ाने के लिए विद जिंदगी। और देखो जितने भी बंदे डिमोटिवेट चल रहे हो ना अभी के टाइम पे, जो मैंने ऐसा फील करा है कि भैया हल्के फुल्के सर्वर हैकर जो है वो कम आ रहे, तो थोड़ा ज्यादा खेल के जल्दी कॉन्करर लगा लो। तुम्हें डेली का प्लस टारगेट भी दे देता हूं। प्लैटिनम डायमंड वाले तो 300 से 350 का प्लस आराम से कर सकते हो। क्राउन वालों को 250 तक का प्लस करना है, एस वालों को करना है 150 के आसपास का प्लस। एस मास्टर वाले आराम से 100 का प्लस तो निकाल ही सकते हो यार, आराम से कॉन्करर हो जाएगा। और कल पूरा दिन तुम्हारे भाई ने गेम बस एक आधी बार खोल के देखा होगा, खेला भी नहीं है। आज के दिन में मैंने गेम जितने भी खेले इतनी झंड किस्मत, अभी तुम्हें दिखाते हैं ना कैसे कैसे खेल रहा है तुम्हारा भाई। अभी देखो इवेंट पे अच्छे खासे 4 किल निकाले थे, अभी और निकाले जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी एक क्राफ्टिंग की मैडम का छोटा मोटा सा गिफ्ट रिसीव करके अपने अच्छे खास से 5 किल हो गए। तो उसके बाद देखो तुम्हारे और बंदों की तलाश में जा ही रहा था कि सामने की साइड से एक भैया जी के मटकने का साउंड आ जाता है। तो अब इन भैया जी से फाइट देखो। अभी भाई साहब को भी एकदम आराम से निपटा देते, अपने अच्छे खासे 6 किल हो गए थे, है ना? अभी देखो तुम्हारा भाई ना कुछ नया भी सोच रहा है कि अपन सोच रहे हैं डुओ में लाइव रैंक पुश की जाए और सोलो की वीडियो लाई जाए, या फिर वीडियो भी डुओ की लाई जाए। तुम लोग बताओ, जो कहोगे वो करा जाएगा, तुम जो तुम चाहो। अब तुम्हारा भाई डबल कॉन्करर लगाने का ट्राई करेगा। तो देखो सुबह के टाइम पे अपन लाइव खेल के डुओ में रैंक पुश करेंगे, और बाकी अगर सोलो की तुम्हें वीडियो चाहिए तो वीडियो आ जाएगी, बाकी लाइव पे सोलो नहीं खेलने वाला मैं बोर हो जाता हूँ यार। अब इवेंट पे अच्छे खासे 6 किल निकालने के बाद ये भाई साहब अपने को एकदम आराम से धर लेते हैं, और यहाँ पे ढिलने के बाद में तुम्हारे भाई ने कुछ उखाड़ा नहीं है। मैं लास्ट तक सर्वाइव करो और लास्ट में जाके देखो अपने साथ में क्या काम होते हैं। नहीं भाई आज के दिन में ना तुम्हारे भाई के साथ में यही सीन हुआ है, जहां रुक जाओ वहां कोई ना कोई ऐसे पड़ा ही हुआ है। 2-4 KD के बंदे निपटा निपटा के जा रहे एकदम प्यार से। अभी देखो एक मैच में थोड़ी, अभी तुम्हें और दिखाता हूँ। अभी देखो अभी बातचीत कर लीजिए अपने सेकंड गेम प्ले की, तो ये भी एकदम पिधल्ली सा छोटा सा गेम प्ले रहने वाला है तुम्हारा भाई। देखो लैंड करा, एक गन नहीं है, एक गन भाई। मेरी जैसी किस्मत के साथ में तुम कॉन्करर कर दो ना भैया, बहुत बड़ी बातचीत है, सही बता रहा हूँ। अभी देखो तुम्हारा भाई जैसे तैसे करके गन ढूंढ के लाता है, फिर सीन देखो। अभी एक्सूट वाले भाई साहब को निपटाया एकदम प्यार से, उसके बाद गन वन लूट के आराम से जा रहा था कि लो एक और धप्पा लो। अब भाई मैं जब इतनी दूर तक आ गया, किसी बंदे ने फायर नहीं लिया, तो मुझे लगा कोई नहीं होगा, मैं आराम से बैठ के बैकपैक उठा रहा हूँ एकदम आराम से। मेरे को घंटा नहीं पता क्यों कोई सामने की साइड में है, और ये भाई साहब एकदम आराम से निकल के आ जाते हैं। भैया इतना ज्यादा कैंप क्यों करते हो यार? अब ये बंदे को अगर मैंने आते हुए ना देखा होता ये भी मेरे को ही धरता।
और ये तो मेरी किस्मत है, हर किसी को मैं ही क्यों स्पॉट हो जाता हूँ। जरा सा ओपन में जाता हूँ बस डल की पेटी। अब मेरे पास हेलमेट नहीं था, एक हेड लग गया उसका कवर में जाते आते, बस डल की पेटी। अब यहाँ पे डरी तो उसको डरी, ठीक है 3 किलो गए थे अच्छे खास। उसके बाद 2 बॉट मार के लास्ट जोन में जा रहा था, तुम यहाँ पे सीन देखो। मेरे को तो भैया ये डाउट होता ही है, साला मैं जहाँ रुक जाता हूँ वहाँ पे कोई ना कोई ऐसे पैदल भटकता हुआ आ कैसे जाता है। अबे तुम्हारे पास कोई कंपाउंड नाम की चीज नहीं है, कंपाउंड में बैठो ना, ऐसी जगह पे कौन भटक रहा होता है बे। और जहाँ मैं रुक जाऊँ वहाँ कोई ना कोई है। अब वो भी हटाओ, अभी तक ना टोटल 4 गेम प्ले हो चुके हैं। 2 गेम प्ले तुम्हारा इंट्रो में दिखा चुका है, ठीक है जो कट कर करके क्लिप पे लगाई है, 2 गेम प्ले दिखा चुका। अभी तुम ये गेम प्ले देखो, अब इसमें भी सीन होने वाले हैं। अभी देखो पगानी जैसी एकदम सपाट पड़ी गाड़ी में, तुम्हारे भाई ने 2 गोलियां कनेक्ट कर दी है, ठीक है। उसके बाद ये बंदा पुश कर रहा था, मेरे को लगा डायरेक्ट पुश तो नहीं करेगा। अब ये तो ये सुअर के बच्चे हैं भैया, गेम में आके दिमाग खराब कर देते हैं। अब तुम बताओ मैं गेम प्ले लाऊं तो लाऊं कैसे। अभी तुम मेन पार्ट देखो भैया, अभी इस डल्ले ने मेरे को भरा, मेरे को डाउट तो हो गया था ये 100% टीम अप है, क्योंकि भैया एक बंदा तुरंत आ कैसे गया ओपन में मेरे को भरने के लिए, ठीक है मैं देख के समझ गया था। तो भाई मैंने सिंपल रिपोर्ट कर दी, जैसे ये आए वही लिख दिया मैंने, भैया मैंने कुछ गलत थोड़ी लिखा है, टीम अप की पैदाइश है, ये टीम अप होके इनकी पैदाइश हुई है। अब कुछ भी बोलो, देखो इन सुअरों में दिमाग तो है, ये तो मानना पड़ेगा है ना। जब सामने वाले बंदे की ग्लेशियर चमक गई तो पहली भड़की होगी, तो बंदा एक बंदा पीछे उतार के आया, वरना देखो बाकी बंदों को इन्होंने कैसे भरा है। जितना चौड़ में तुमने इस बंदे के अगल बगल पगानी घुमाई है ना, तुम्हारी पगानी का पगाना बना देता अगर मेरे सामने आ जाते, दोनों का कबूतर बना के उड़ा देता, सही बता रहा हूँ, सीधा सीधा आ जाते दोनों, मजाक चट के दोनों एक तरह में बाहर मिलते पगानी से। और ये सुअरों को यूट्यूबर बनना है, वाइटी लगा रखा है नाम के पीछे, स्किन्स निकाल रखी है, आओ तुम्हें इन सुअरों की शकल से मिलवाऊं, है ना, आ जाओ तुम्हें दर्शन कराते हैं, आ जाओ सबको मौका मिलेगा बराबर एकदम। देखो तो ये रही उस सुअर की शकल जिसने तुम्हारे भाई को भरा था। बेटा पहली बात तो देखो हाथ में जो फोन लिया ना वो दे दो, जिसका भाई है ना उसको दे दो, क्योंकि शकल से तो मैच हो नहीं रहा है, तुम्हारा तो नहीं है तो दे दो का भी है, क्योंकि गलती से भी गिर गया तो 7 जन्म तो लगी जाएंगे किस्त पे जमा करने में। भाई इस सुअर को मैं क्या ही बोलू, क्राउन पे 4 की गेड़ी चल रही है बेटा, हटाओ भे एक बगल वाले को लाओ, जो ड्राइवर था ना उसको लाते हैं, उसकी शकल भी देख लो, आ जाओ दिखाओ तुम्हें। अब ये स्वर संगठन के दूसरे सदस्य की भी आईडी देख लो, पहले आईडी देख लो उसके बाद शकल भी दिखा दी जाएगी। लो अब शकल देख लो, है ना, ये अपना दूसरा सदस्य स्वर संगठन का, है ना, देख ली एकदम अच्छे से शकल देख लो। हाँ ये दोनों दल्ले टीम अप करके खेलेंगे, सालों ने एस टीयर क्राउन टीयर पे 3 और 4 की केडी रखी है। बेटा एज तक ना तुम्हारे दोनों की मिला के मेरे बराबर की केडी थी, वो तो हैकरों की वजह से कम हो गई, मजाक सेट के। और तुम भाई आते तो डायरेक्ट तो आते, पता नहीं यार ये दिमाग कैसे आ गया तुम्हें। खैर हटाओ, वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्याम सर भाई को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।